स्वागत है आपका मेरी किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन की सब्जी, सोया चंक्स या न्यूट्री कुछ भी बोलो। तो मैंने 100 ग्राम ली है, ये देखिए सोयाबीन बड़ी, दो मैंने ऑनियन चपकी हुई है और दो टमाटर दोनों को ही बारीक चॉप किया हुआ है। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 छोटी बाउल मैंने दही ली है, मतलब 5 से 6 चम्मच, खट्टी नहीं है, नॉर्मल दही है, फ्रेश एकदम। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, कुछ कसूरी मेथी ली है, आधा छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 छोटी चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी मिर्च और 2 हरी मिर्ची कट की हुई हैं, कुछ ऑयल लिया हुआ है 2-3 टेबल स्पून, और इसमें मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जीरा लिया हुआ है, 1 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 1 ग्रीन इलायची, 3-4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्ची तड़के के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सोयाबीन बड़ी ली हैं इनको हम बॉईल कर लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसमें आधा छोटी चम्मच मैं नमक डाल दूंगी और जो मैंने सोयाबीन बड़ी ली है ये डाल दूंगी। तो इसमें मैंने 3 ग्लास पानी लिया हुआ है। तो ये देखिए उबाल आ रहा है अच्छे से, 5 मिनट के लिए इनको हम उबलने देंगे, उसके बाद इनको हम छान लेंगे। तो इससे सोयाबीन देखिए उबल चुकी है अच्छे से, काफ़ी फूल गई, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको हम ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि फटाफट से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए हमने ठंडे पानी में डाल दिया और एकदम ठंडी हो गई है ये। अभी इनको मैं निचोड़ के इस तरीके से सभी को निचोड़ लेना है और एक प्लेट में रख लूँगी, सारा पानी निचोड़ के इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने इस बाउल में निचोड़ के सारी बड़ी ले ली है, सोयाबीन बड़ी। अभी हम इस पे दही डालेंगे, जो हमने दही ली है वो सारी डाल देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिया है वो भी डाल देंगे, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक हमने इसमें पहले भी डाला है तो हाफ छोटी चम्मच ही नमक डालेंगे बिल्कुल, और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसमें मसाले का फ्लेवर चला जाए, सोख लें ये मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे, वही सेम कढ़ाई, इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे और जो हम मोटी इलायची डालेंगे इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि इसका मुंह खुल जाए, इस तरीके से इसको हम खोल के डालेंगे थोड़ा, और काली मिर्ची लौंग सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे। तो अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे, जीरा हमारा भुन चुका है, मसाले भुन गए हैं, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होगी, इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे जो कट की हुई थी, इनको थोड़ा सा, 2-3 मिनट में हमारी प्याज भून के तैयार हुई है। अभी इसमें हम अपने गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें हम धनिया डालेंगे, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इनको थोड़ा सा भूनेंगे 30 सेकेंड के लिए ताकि मसाले हमारे जले नहीं और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। अभी इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी नहीं भुनेंगे, जलेंगे हमारे। अब इनको हम इसमें आधा चम्मच हम छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आप हमने 2 बार नमक डाल चुके हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें नमक, देख लें कि आपने कितना नमक ऐड किया है सब्जी में, उसके हिसाब से डालें। और इनको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, इनको हम पकने देते हैं तब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता, पर इनको चला देंगे और इसको हम ढक देंगे
ताकि फटाफट से हमारे टमाटर गल जाएं, मसाला भी तैयार हो जाए। मीडियम फ्लेम पे ही तो रखेंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारा मसाला भुना या नहीं। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट लगे, मसाला अच्छे से भून के तैयार है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसको हम चला देंगे और ये जो हमारे टमाटर हैं इनको अच्छे से मैश कर देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। अभी हमने जो सोया बड़ी रखी थी इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि इसमें दही है, नहीं तो फट जाएगी ये, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक मसाला और ऑयल सेपरेट ना हो तब तक इसको हम चलाएंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से मसाला पकना स्टार्ट हो गया वापस से। तो हम अब इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है, अभी सब्जी चेक करेंगे। तो देखिए अच्छे से सब्जी पक रही है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हल्की सी ग्रेवी कर देंगे इसमें। इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जितना मतलब ऐड करना चाहें, उस हिसाब से पतला रखना चाहें उतना रखें, क्योंकि जो बड़ी हैं ये भी पानी सोख लेती हैं, तो सब्जी हमारी और भी ड्राई हो जाएगी बाद में। और इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसका। और ढक के इसको और हम 5 से 7 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अभी इसको हम ढकने देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो अभी चेक करते हैं हमारी सब्जी बनी या नहीं बनी। तो ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है हमारी सब्जी पे, बन के एकदम तैयार है और एकदम सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी हमारी बन के तैयार हुई है, सोयाबीन बड़ी की। और इसको हम धनिया डाल के इसको हम सर्विंग बाउल में सर्व करें। ये देखिए सोयाबीन बड़ी की सब्जी बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।